करण कुंद्रा है एक सच्चे दोस्त, और ये सच्चे दोस्त हैं वो नन अदर देन उमर रियाज के। उमर रियाज को उन्होंने प्रायोरिटी तो बनाया दोस्तों, और साथ ही साथ उमर ने भी उनको प्रायोरिटी बनाया। बट पास्ट में ये बातें भी सामने आई कि उमर रियाज को चलाने की कोशिश कर रहे हैं करण और तेजस्वी। अब इस वीडियो में आप सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि कैसे करण कुंद्रा जो हैं उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में है उमर रियाज, और सच्चा दिल से वो अपना दोस्त मानते हैं। स्वागत है आपका फीफा फूज में, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर मौजूद हूं RHULBHOJ राहुल भोज के नाम से, तो वहां पर मुझे फॉलो जरूर करें। दोस्तों अब बात करते हैं कि आखिरकार करण कुंद्रा ने ऐसा क्या कहा। बताना चाहता हूं कि अफसाना खान का मिडनाइट इविक्शन हुआ है, जहां पर अफसाना खान ने अपने हाथों को काटने की कोशिश करी है चाकू से, और अफसाना खान ने अपनी जान बेसिकली लेने की कोशिश करी है, सुसाइड अटेम्प्ट किया है, क्योंकि उमर ने उनको गेम से निकाल दिया था। अब उमर और करण दोनों ही दोस्तों रोते हुए नजर आए जब अफसाना खान आउट हुई, और इसी बात का डिस्कशन करण करते हुए नजर आते हैं। तेजस्वी भी रोई है दोस्तों, और यहां पर उमर के बारे में करण कहते हैं कि मुझे बहुत बुरा लगा जब ये लोग जब उमर रो रहा था, और बाय गॉड जब वो रो रहा था ना, उसके आंसू देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मेरे भी आंसू निकल गए। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी बात बोल डाली है नन अदर देन करण कुंद्रा ने, वो भी तेजस्वी प्रकाश को। तेजस्वी प्रकाश बिग बॉस के घर में करण कुंद्रा के साथ हैं। उमर रियाज की वजह से तेजस्वी प्रकाश अभी इस वक्त VIP जोन में भी है, और ऐसे में आप लोगों को बता दूं तो उमतेज से ज्यादा अभी जो है बोलवाला है तेज रन का। सो दर्शकों आपको क्या है कहना इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे चैनल के साथ, और वो लोग जो कह रहे थे कि उमर को कठपुतली बना के चला रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं एक करारा जवाब है।